तो रिसेंटली एक इंडियन कंपनी जो कि बहुत बड़ा स्टार्टअप दुकान के नाम से जाना जाता है, इसके सीईओ सुमित शाह ने एक ट्वीट के ऊपर अपने 90 से ज्यादा एम्प्लॉयज को फायर कर दिया। Did it hurt your feelings a bit? As a founder, I have to think about, you know, what is best for the company. सो दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम लोगों ने अभी तक बहुत कुछ सुना और हमें बहुत ज़्यादा थ्रेड्स बताए जा रहे हैं। रोज़ाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नए सॉफ्टवेयर्स, न्यू अपडेट्स और न्यू टूल्स ने धूम मचाई हुई है। कोई भी काम करना हो, अपनी प्रेजेंटेशन बनाने से लेके डाउनलोडिंग तक का, या फिर आपके ऑफिस असाइनमेंट हो, या फिर आपको अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी हो, तो आपने असिस्टेंस लेनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। ये बात आज के डेट में तकरीबन हम सबको पता ही है। तो इसी के साथ साथ यहाँ पे ये खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इम्प्लीमेंटेशन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, लोग जैसे जैसे यूज टू होते जाएंगे, इंडस्ट्रीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एडॉप्ट करना शुरू कर देंगी। एंड हियर इज द पॉइंट जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, जब आप अपने करियर की सिलेक्शन के लिए जा रहे हो, जब आप किसी सॉफ्ट स्किल की सिलेक्शन के लिए जा रहे हो, आपको कोई कोर्स करना है या फिर आपको कहीं पे एडमिशन लेना है, तो आपने फैसला बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है कि आपके पैसे भी डूब जाएं और साथ में आपको डिसअपॉइंटमेंट भी बहुत ज़्यादा हो। तो चले मैं इसकी आपको एक बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली एक इंडियन कंपनी जो कि बहुत बड़ा स्टार्टअप दुकान के नाम से जाना जाता है, इसके सीईओ सुमित शाह ने एक ट्वीट के ऊपर अपने 90 से ज़्यादा एम्प्लॉयज को फायर कर दिया। यस, ऑन अ सिंगल ट्वीट, सुन के हैरानी हुई ना। चलें जानते हैं क्यों। ये बात तो जानना बहुत आसान है कि उसने जब AI बॉट को अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट किया, तो उसने अपने ट्वीट में ये बात बताई कि वो 90 लोगों का काम जो कि एक AI बॉट अकेला उनसे ज़्यादा एफिशिएंटली परफॉर्म करके दे रहा है और एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है, इस वजह से उसने अपने सारे एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया। बट यहाँ पे ये जानना ज़रूरी कि आखिर उस AI बॉट में ऐसी कौन सी शक्ति, कौन सी पावर है कि उस AI ने 90 लोगों की, यानी कि पूरी कंपनी को टेक ओवर कर लिया। तो इस बात को समझाने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। तो जनाब, इस बात को जानने के लिए सबसे पहले आप ये जान लें कि जिस स्टार्टअप की मैं बात कर रहा हूँ, यानी दुकान की, तो वो एक ई कॉमर्स स्टार्टअप था। और इसी तरीके से आज की डेट में अगर आप उठा के देखें तो ई कॉमर्स स्टार्टअप्स बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और आफ्टर कोरोना ये मार्केट बहुत ज़्यादा बूस्ट कर गई। तो दोस्तों, ये बात भी जान लें कि ई कॉमर्स बिजनेस की जो बैकबोन होती है वो होती है आपकी कस्टमर सपोर्ट। अगर आपकी कस्टमर सपोर्ट अच्छी नहीं है या आपने प्रॉपर उसको हायरार्की वाइज डिफाइन नहीं किया हुआ, जितनी आपके बिजनेस का वॉल्यूम है आपने रिक्वायर्ड कस्टमर फोर्स सपोर्ट फोर्स नहीं बिठाई हुई, तो आपका बिजनेस फेल हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी गलत हो, ये ज़रूरी नहीं है आपका आइडिया गलत हो, आपकी प्रोडक्ट में कोई मसला हो। ड्यू टू कस्टमर सपोर्ट बहुत सारे स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस AI बॉट ने ऐसा क्या कमाल किया कि 90 लोगों की कस्टमर सपोर्ट की टीम एक झटके में टेक ओवर कर ली। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये AI बॉट मल्टीपल लैंग्वेज में बात करने की कैपेबिलिटी रखता है। दूसरा ये कि फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जो कस्टमर सपोर्ट वाले फेस करते हैं, जिसकी वजह से आपका बहुत सारा टाइम और बहुत सारी एनर्जी भी ज़ाया होती है कंपनी की, इस लिए यहाँ पे ये बॉट AI बॉट बहुत ही तेज़ी के साथ ईजीली बहुत सारे फ्रीक्वेंटली आस्क करके कस्टमर की एग्जैक्ट डिमांड फौरन पता लगाने की कोशिश करता है। इसके साथ साथ ये AI है तो इसको फौरन पता चल जाता है कि आपकी डेमोग्राफिक्स क्या, मीन्स आप किस जगह पर हो, किस मार्केट में हो, तो वो फौरन आपके माइंड को, आपके ब्रेन को रीड करने की कोशिश करता है। और थोड़ी ही देर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके मोबाइल से सारा डेटा आपके ब्रेन का चोरी करके आपको बेस्ट सॉल्यूशन देता है, जिसमें आप सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं। और इतना सेटिस्फाई आप एक कस्टमर सपोर्ट टीम के बंदे से शायद ही हो पाए। तो इस वजह से यहाँ पे एक बहुत बड़ी नीड को फुलफिल करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इतनी बड़ी ह्यूमन रिसोर्स फोर्स को एक झटके में फारिग करवा दिया। तो एंटरप्रेन्योर्स अपने दिमागों से ये बात निकाल दें कि आपको AI रिप्लेस करेगा किसी भी लेवल पे,
बिल्कुल कर सकता है अगर आप वेव के साथ नहीं चलेंगे टाइम की, अगर आप फ्यूचर के साथ नहीं चलोगे, अगर आप पास्ट को फॉलो करोगे, अगर आप रिसर्च अपनी कंप्लीट नहीं करोगे, आपको नहीं पता आज की रेट में फर्स्ट वर्ल्ड में क्या हो रहा है, आप पीछे रह जाओगे और उसके बाद आपको डेफिनेटली इस तरह की चीज़ें भुगतनी पड़ेंगी। मगर अगर आप एज एन एंटरप्रेन्योर, एज एन स्टूडेंट अपने फ्यूचर की सिलेक्शन की तरफ जा रहे हो या अपने फ्यूचर को प्लान करना चाह रहे हो, तो इसी AI से जाके पूछो कि फ्यूचर टेक्नोलॉजीज क्या हैं और वो कौन सी स्किल्स हैं जिस पर काम करके आप इस AI से आगे निकल सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।